हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? ये मेरा ट्रिप जो था ऑरेंज लाइन ट्रेन का, जो कि मैं दूसरा पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप देख ही रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा गैदरिंग और रश है। लेडीज़ के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है और बच्चों के लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं है जी। फ्रेंड्स, इसके बारे में ज़रूर हुकूमत को सोचना चाहिए, और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इस बारे में इन्हें सोचना चाहिए कि नहीं। जो बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि लेडीज़ और बच्चों के लिए इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है, जो सेपरेट हो तो सेपरेट जगह बनाई जाए। तो फ्रेंड्स, ये जब मैं ऑरेंज ट्रेन का सफ़र कर रही थी तो मैंने कुछ बाहर के व्यूज़ आपके लिए बनाए हैं, जो कि मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा कुछ लोग, यानी कि अगर अभी तक सफ़र नहीं किया या तो वो इस, मतलब मैंने जो ये वीडियो थोड़ी सी बनाई है, यानी कि ट्रेन में बैठे हुए बाहर की, जो बाहर के कुछ आपके साथ ये वीडियोस में शेयर कर रही हूँ व्यूज़, तो आप इसको एंजॉय करें, क्योंकि मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था ऊंचाई से देखना नीचे हर चीज़ को, तो मैं भी इंजॉय कर रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके लिए वीडियो, और ये वीडियो बहुत लंबी थी, और ये चुबुर्जी का जो जहाज़ है, जो कि कहीं भी जा नहीं सकता, वहाँ ही खड़ा रहता है, ये उसकी भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सारी वीडियो बाहर की बनाती हूँ और आप सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ, वो इसलिए कि मतलब नीचे से तो हम लोग रस्तों से गुज़रते हुए हर चीज़ को देख लेते हैं, लेकिन ऊंचाई से बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलती है। तो ये ऑरेंज ट्रेन का एक सफ़र में मुझे भी देखने को मिला, और मैंने कहा क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स को भी दिखाऊं कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऑरेंज ट्रेन का। तो फ्रेंड्स, ये ऑरेंज ट्रेन में मुझे वापस जैसे मैं वापसी के लिए आ रही थी, तो मुझे थोड़ी सी जगह मिली बैठने की कुछ लेडीज़ के साथ, और फिर उसके बाद ये मैं बाहर आई हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ इतनी बात नहीं कर सकती थी रश होने की वजह से। तो जी फ्रेंड्स, मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ कि कॉइन्स ये जो मैंने अभी आपने देखा एंटर किया है उस मशीन में, इसको आपने बहुत एहतियात से और संभाल के आपने रखना है, क्योंकि इसको लेंगे जब आप फर्स्ट टाइम 40 रुपीस देंगे, वो आपको कॉइन्स देंगे, उसको आपने संभाल के रखना है। आपने जब वापस जाना है तब आपने उसी कॉइन्स को मशीन में एंटर करना है, तो आप बाहर जा सकेंगे, ठीक है? तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, तो मेरी वीडियो पसंद आई है, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर